तो एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत मित्रों आज की वीडियो में हम आईबीपीएस का जो अभी जो अभी नोटिफिकेशन निकला है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग रेगुलर आपके सामने दे रहे हैं ताकि आप 40 प्लस मार्क्स कैसे अचीव करें तो चलिए मित्रों आज के इस वीडियो में हम वही धमाकेदार प्रश्नों के लेकर आगे हैं अगर आपको इनमें से कोई भी प्रश्न आता है तो बेझिझक आप कमेंट जरूर कर सकते हैं साथियों यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन मार्क है 45, 66 और 91। यानी प्रश्न हमारे पास है एक छः पंद्रह प्रश्न वाचक 45, पैंतालीस छियासठ इक्यानवे तो यहाँ पर अपन इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे सबसे पहले लिखेंगे वन फिर सिक्स फिर फिफ्टीन फिर क्वेश्चन मार्क फोर्टी फाइव सिक्सटी सिक्स नाइन्टी फाइव देखिए वन में अपन फाइव एड करेंगे तो हमारे पास सिक्स आता है सिक्स में हम नाइन एड करेंगे हमारे पास फिफ्टीन आता है यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो फोर का आ रहा है कितना आ रहा है फोर का तो सिमिलरली हम यहाँ पर पैटर्न यूज़ करेंगे तो यहाँ फोर ऐड करने पर हमारे पास आता है थर्टीन तो फिफ्टीन में अगर मैं थर्टीन ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है ट्वेंटी एट कितना आता है ट्वेंटी एट अब यहाँ पर भी हम फोर ऐड करके एक बार चेक कर लेते हैं तो यहाँ आ जाता है सेवेंटीन 28 में अगर मैं 17 ऐड करता हूं तो मेरे पास 45 आ जाता है आ जाता ना तो इस हिसाब से यहां पर हमें राइट करना पड़ेगा किसको 28 को तो यहां पर आपसे बच्चा मिसिंग नंबर क्या होगा तो यहां जो मिसिंग नंबर होगा वो 25 फाइव होगा आगे सभी को समझ में कॉपी कर लीजिए जल्दी से नाइन नाइनटीन टू फाइव नाइन नाइनटीन टू फाइव नाइन थर्टी सेवन एंड क्वेश्चन मार्क ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो है तिहत्तर पिचहत्तर छिहत्तर अठहत्तर ऑप्शन ए तिहत्तर बी ऑप्शन दे रखा है पिछहत्तर सी ऑप्शन दे रहा छिहत्तर डी ऑप्शन दे रखा है अठहत्तर ई ऑप्शन दे रखा है, e, है इनमें से कोई नहीं बिल्कुल अगर आपको प्रश्न संख्या दो आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं स्क्रीन पर नज़र, नज़र आ रहा है आपको बिल्कुल क्लियरफाई आपको एक प्रश्न नजर आ रहा है बेझिझक का आप कमेंट कर सकते हैं तो देखिए साथियों यहाँ पर हमें जो सीरीज़ दे रखी है वो दे रखी है दो फिर पाँच फिर नौ फिर उन्नीस फिर थर्टी सेवन और प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए साथियों हम दो को दो से गुणा करेंगे और एक ऐड करेंगे दो दो ने चार चार में अगर मैं एक ऐड करता हूँ तो पाँच आता है इसी प्रकार हम पाँच को दो से गुणा करेंगे पाँच दूने दस और दस में से मैं एक घटाता हूँ तो मेरे पास नौ आता है इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे नौ को दो से गुणा करेंगे हमारे पास हो जाएगा अट्ठारह अट्ठारह में अगर अपन एक जोड़ते हैं तो हमारे पास होता है उन्नीस इसी प्रकार उन्नीस को अगर अपन दो से गुणा करते हैं उन्नीस दोनों अड़तीस और हम एक घटाते हैं तो सैंतीस आ जाता है इसी प्रकार हम सैंतीस को दो से गुणा करेंगे और एक जोड़ेंगे सैंतीस को दो से मल्टीप्लाई करने पर सेवेंटी फ... वो सॉरी सेवनटी फोर होगा और एक ऐड करेंगे 75 फाइव आएगा तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा आगे सभी को जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा चार फिर आठ अट्ठाइस अस्सी दो सौ चौवालीस और फिर हमें दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन में आपके सामने रख रहा हूं ऑप्शन है दो सौ अठहत्तर चार सौ अट्ठाइस छ सौ दो सौ अठहत्तर चार सौ अट्ठाईस छ सौ अठहत्तर सात सौ अठहत्तर और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं बिल्कुल आपको तीसरा प्रश्न का जवाब करना होगा काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम में जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं इस क्लास को काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास वीडियो है आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा देखिए मित्रों अगर अपन इस प्रश्न का लैंग्वेज पकड़ना चाहिए तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे फोर उसके बाद एट फिर ट्वेंटी एट फिर एट्टी फिर दो सौ चौबीस लाते हैं देखिए भैया तीन की पावर एक प्लस एक तीन का स्क्वायर माइनस एक तीन का क्यूब प्लस एक तीन की पावर चार माइनस एक वाह ये बड़ा मस्त पैटर्न है एक दो तीन चार तो अगला आ जाएगा तीन की पावर पांच और प्लस एक चेक कर लेते हैं। तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन तीन तिया नौ नौ तिया सत्ताईस सत्ताईस को तीन से गुणा करेंगे इक्यासी इक्यासी को तीन से गुणा करेंगे अपन दो सौ और एक जोड़ने पे दो सौ चौवालीस भाई तो अगला पैटर्न हो जाएगा तीन की पावर छः माइनस एक तो दो सौ को हम तीन से गुणा कर लेते हैं दो सौ को अपन तीन से गुणा करते हैं तीन तिया नौ तीन चौकी बारह तीन दूनी छः सात सौ उनतीस सात सौ उनतीस में अगर अपन एक जोड़ेंगे चलो अपन सॉरी माइनस करेंगे सात सौ अट्ठाईस बिल्कुल ऑप्शन में क्या नहीं है चलो ठीक है इनमें से कोई नहीं को हम राइट करेंगे बिल्कुल चौथा प्रश्न है हजार, दस फिर है हजार फिर दे रखा है ग्यारह हजार दस हजार फिर दे रखा है आपको ग्यारह हजार फिर दे रखा है निन्यानवे सौ निन्यानवे सौ उसके आगे हमारे पास में दे रखा है दस हज़ार आठ सौ नब्बे दस हज़ार आठ सौ नब्बे और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है हाँ जी ऑप्शन पे अपन राउंड कर लेते हैं ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है पहला ऑप्शन है अट्ठानवे जीरो एक बी ऑप्शन है नन्यानवे जीरो एक सी ऑप्शन है नन्यानवे सौ डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं देखिए आप प्रश्न का लैंग्वेज पकड़े सब कुछ क्लियर होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई प्रश्न का लैंग्वेज पकड़े सब कुछ क्लियर हो जाएगा हाँ भैया यहाँ प्रश्न दे रखा आप इसे पढ़ लीजिएगा बिल्कुल देखिए साथ ही हाँ जी यहाँ चौथा प्रश्न दे रखा वे दे रखा हमारे पास में दस हजार फिर ग्यारह हजार फिर नौ हजार नौ सौ दस हजार आठ सौ नब्बे और प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है देखिए साथ इस प्रश्न को हल करेंगे सबसे पहले अपन लिखेंगे दस हजार और इस दस हज़ार का मैं दस प्रतिशत निकाल रहा हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा एक हजार कितना आ जाएगा एक हज़ार अब मैं क्या करूंगा इस दस हजार में मैं एक हजार को ऐड करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा ग्यारह हजार अब आगे क्या करना है हमें ग्यारह हजार का दस परसेंट निकालना है देखिए हमारे पास में हो जाएगा ग्यारह सौ अब हमें क्या करना है 11000 में से 1100 को माइनस करना है हमारे पास आ जाएगा 9900 अब आगे क्या करना है इसी प्रकार 9900 का हमें 10 परसेंट निकालना है हमारे पास में हो जाएगा नौ अब हम क्या करेंगे 9900 में अगर अपन 990 जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएगा दस अब हमें क्या करना होगा दस का हम दस परसेंट निकालेंगे बिल्कुल मैं यहाँ तरीका बता रहा हूँ दस हज़ार आठ सौ नब्बे का हम दस परसेंट निकालेंगे और अपन क्या करेंगे बिल्कुल हमारे पास हो जाएगा एक हज़ार अब देखिए एक बार जोड़ा तो एक बार घटाना पड़ेगा इसका मतलब दस हज़ार आठ सौ नब्बे में से ये घटाएंगे तो एक आ जाएगा या ज़ीरो आ जाएगा फिर यहाँ बचेगा हमारे पास आठ और यहाँ बचेगा नौ तो ये आ गया अट्ठानवे ज़ीरो एक इसका मतलब हम यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करेंगे पाँचों प्रश्न है जीरो फिर पाँच चौबीस साठ एक सौ बीस दो सौ दस एक सौ बीस दो सौ दस प्रश्न प्रश्नवाचक चिन्ह चलो ऑप्शन है दो सौ चालीस दो सौ नब्बे दो सौ चालीस दो सौ नब्बे ऑप्शन दे रखा तीन सौ छत्तीस और डी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं पाँच सौ चार हाँ भैया बता दीजिए देखिए इसका आंसर क्या होगा बिल्कुल जिनको आ रहा है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा चलिए भाई दोस्तों देखिए इस प्रश्न का बहुत महत्वपूर्ण आंसर है सिर्फ हमें प्रश्न को देखना है और सीधा हमें आंसर राइट करना होगा बिल्कुल या छ याद रखे छ जी दे के साथ यूँ यहाँ लिखा गया जीरो उसके बाद चौबीस, साठ एक सौ बीस दो सौ दस एक का मैं क्यूब करता हूँ और उसमें से एक घटाता हूँ तो मेरे पास जीरो आता है इसी प्रकार दो क्यूब करता हूँ और उसमें से दो घटाता हूँ तो मेरे पास छः आता है इसी प्रकार तीन का क्यूब और इसमें से तीन घटाता हूँ तो मेरे पास चौबीस आता है इसी प्रकार चार का क्यूब में से चार घटाता हूँ मेरे पास साठ आता है पाँच का क्यूब में से पाँच घटाता हूँ तो मेरे पास एक सौ बीस आता है छः का क्यूब में से छः घटाता हूँ तो दो सौ दस आता है अब हमें करना होगा सात का क्यूब में से सात घटाना होगा सात का क्यूब होता है तीन सौ और इसमें से सात घटन होगा तो हमारे पास रहेगा तीन जो हमारा ऑप्शन में दे रखा है सी तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा तीन आगे आ गया सभी को कर लीजिए कॉपी देखिए सिर्फ प्रश्न के लैंग्वेज पे जाना है सब कुछ आपके हाथ में रहेगा हमें सिर्फ लैंग्वेज पकड़ में आनी चाहिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा हो गया क्लियर हाँ जी दे रखा है सुन लेते हैं अपन छठे प्रश्न के बारे में प्रश्न छठा दे रखा है एक चार सत्ताईस एक चार सत्ताईस सोलह प्रसन्नवाचक चिन्ह एक चार सत्ताईस सोलह प्रसन्नवाचक चिन्ह आगे दे रखा भाई छत्तीस और फिर दे रखा है तीन सौ तेलीस जी बताना होगा आंसर क्या होगा ऑप्शन आप आपके सामने दे रखा है पच्चीस पहला ऑप्शन दे रखा है पच्चीस दूसरा ऑप्शन है सतासी ये लिखा मैंने सत्यासी तीसरा ऑप्शन दे रखा है एक सौ बीस ये लिखा एक सौ बीस चौथा ऑप्शन दे रखा है एक सौ पच्चीस ये लिख दिया भाई एक सौ पच्चीस बिल्कुल बताइए भाई आंसर क्या होगा प्रश्न को पढ़े बिल्कुल भेज कमेंट करें आंसर बताइए भैया क्या होगा जी बताओ जल्दी से अरे इतना का टेंशन लेते हैं देखिए बिल्कुल आपको क्लियर नजर आएगा एक का स्क्वायर, एक का क्यूब होता है हमारे पास में एक दो का स्क्वायर होता है चार तीन का क्यूब होता है सत्ताईस चार का स्क्वायर होता है सोलह पाँच का क्यूब होगा एक सौ पच्चीस छः का स्क्वायर होगा छत्तीस सात का क्यूब होगा तीन सौ तेलीस हमारे पास पूछा है कौ प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा तो हमें क्यूब करना होगा सीधी सी बात है आपको नज़र आ रहा भाई ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है ये क्यूब है ये क्यूब है ये क्यूब है, है तो आप पैटर्न पकड़ सकते हो ना कहाँ दिक्कत है बिल्कुल आप उतार लीजिएगा प्रश्न संख्या छः हाँ जी सातों प्रश्न है चार छ बारह चौदह अट्ठाईस सातों प्रश्न है चार छह चौदह अट्ठाईस तीस बिल्कुल आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन संख्या आएगी बत्तीस साठ बासठ चौसठ बत्तीस साठ बासठ चौसठ हाँ भाई इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी ये आपसे पूछा गया सिर्फ प्रश्न का लैंग्वेज पढ़े अभी क्लियर होने वाला प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी बिल्कुल बताइए जल्दी से अरे कुछ नहीं करना है फिर मैंने क्या बोला कि आपको सिर्फ प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ना है पैटर्न पकड़ते अपन चार छ बारह चौदह अट्ठाईस तीस पहले एक पैटर्न पकड़ लेते हैं सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा देखो भाई यहाँ पर चल रहा है अगर छः चलता तो मैं निकाल लेता लेकिन अब मामला फेल हो गया अब हमें अल्टरनेटिव कैसे लेना होगा अल्टरनेट पैटर्न क्या होता है चार से बारह पर बारह से अट्ठाइस पर और अट्ठाईस से यहाँ आना है देखो चार और बारह में प्लस आठ है प्लस बत्तीस आठ और दो दस का जीरो हासिल लगेगा एक तीन दो पांच और एक छह साठ ऑप्शन में भी ये चेक कर लेते इसको प्लस आठ प्लस आठ मिल गया ना सॉरी सोलह यानी आठ छ में आठ जोड़ा तो मेरे पास चौदह चौदह में सोलह जोड़ा तो तीस तो इसका मतलब ये भी पैटर्न आ सकता है ध्यान रखे वहाँ ये भी पैटर्न बन सकता है विशेषकर ध्यान रखे एक तीन तीन छ सात नौ प्रश्नवाचक चिन्ह बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है दस ग्यारह बारह तेरह दस ग्यारह बारह हाँ जी बताइए दी कि आंसर क्या होगा दस ग्यारह बारह तेरह बिल्कुल क्लियर होगा बिल्कुल क्लियर होगा जल्दी से बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह के आगे भी संख्या दे रखी है वैसे लिख देता हूं मैं बारह और इक्कीस दे रखा है ठीक है बारह और इक्कीस बिल्कुल क्लियर होगा अभी मैंने आपको सातवा प्रश्न कराया था बिल्कुल अल्टरनेटिव कैसे उठा सकते हो देखिए साथियों एक तीन तीन छः सात नौ प्रश्नवाचक चिन्ह बारह और इक्कीस एक, एक से तीन पे जाओ आप प्लस दो तीन से सात पे जाओ आप प्लस चार तो सात से देखो दो का दोगुना चार चार का दोगुना आठ पंद्रह हो सकता ना भाई नहीं दिया ऑप्शन में चलो ठीक है दूसरा पैटर्न ढूंढते हैं पंद्रह से यहाँ आते हैं इक्कीस आ रहा है इसका मतलब हमें छ यूज़ करना पड़ेगा दो चार तो अपन छः यूज़ करते हैं प्लस छः यूज़ करते हैं तो हमारे पास सात में छः जोड़ा तेरह तेरह तो है हमारे पास एक बार चेक कर लेते हैं प्लस आठ बिल्कुल ये देखिए भाई ये पैटर्न लग हो गया प्लस का दो प्लस का चार प्लस का छः प्लस का आठ इसको देख लेते हैं प्लस का तीन प्लस का तीन प्लस का तीन तो प्लस का तीन बिल्कुल तो यहाँ पर हमें तेरह ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा आ गया कॉपी कर लो जल्दी से एक नौ पच्चीस उनपचास प्रसन्नवाच चिन्ह वन ट्वेंटी वन बताइए आंसर क्या आएगा ऑप्शन है चौंसठ इक्यासी इक्यानवे सौ चौसठ इक्यासी इक्यानवे बिल्कुल बताओ जल्दी से इतना समय नहीं लगना चाहिए प्रश्न का लैंग्वेज पकड़ लीजिएगा क्लियर हो जाएगा एक नौ पच्चीस उनपचास प्रसन्नवाचक चिन्ह देखिए मित्रों मैंने लिखा एक नौ पच्चीस उनपचास प्रश्नवाचक चिन्ह एक सौ इक्कीस इधर देखो आप एक का स्क्वायर तीन का स्क्वायर पाँच का स्क्वायर सात का स्क्वायर ग्यारह का स्क्वायर तो यहाँ पर क्या आएगा नौ का स्क्वायर तो नौ का स्क्वायर क्या होगा इक्यासी आ गया कर लीजिए कॉपी बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न बनेंगे वाह इस प्रकार के ही बनेंगे वाह उन्नीस अट्ठाइस चार सात बारह उन्नीस चार सात बारह उन्नीस अट्ठाइस प्रसन्नवाचक चिन्ह हाँ जी ऑप्शन ए तीस छत्तीस छत्तीस उनचालीस और उनपचासचालीस उनपचास बिल्कुल बताइए देखिए आंसर क्या सिर्फ प्रश्न को पकड़ना है सब कुछ क्लियर हो जाएगा बताओ जल्दी से अरे नहीं अरे यार, इधर देखो चार सात बारह उन्नीस अट्ठाईस प्रसन्न व प्लस का तीन प्लस का पाँच प्लस का सात प्लस का नौ बिल्कुल तो प्लस के ग्यारह कितना हो जाएगा उनचालीस ये इसका आंसर होगा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तसली रख के सब कुछ पैटर्न आपको क्लियर होगा बट आप प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आगे सभी को चलो अगला प्रश्न लेकर आता हूँ मैं तरह उन्नीस ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस प्रसन्नवाचक चिन्ह ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर आगे दे रखा है पच्चीस ए ऑप्शन दे रखा है बीस बी ऑप्शन दे रखा है तेईस बाईस इनमें से कोई नहीं बताइए देखिए इसका आंसर क्या होगा सिर्फ प्रश्न को पढ़ना है अभी आंसर आने वाला है हाथ में आंसर आ जाएगा हाँ जी प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस प्रश्नवाचक चिन्ह और पच्चीस देखिए ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस प्रश्नवाचक और पच्चीस ग्यारह में दो जोड़ा तो तेरह तेरह में तीन जोड़ चार जोड़ा तो सत्रह सत्रह में पाँच जोड़ा दो वापस दो आ जाएगा प्लस का दो तो वापस प्लस चार करना पड़ेगा तेईस प्लस दो बिल्कुल यहाँ पर हम बी ऑप्शन को राइट करेंगे यानी हमारा जो पैटर्न है प्लस का दो प्लस का चार प्लस का दो प्लस का चार ये वाला पैटर्न चला ठीक है है हाँ भैया बारह प्रश्न है छे बारह इक्कीस छे बारह इक्कीस छ बारह इक्कीस प्रसन्नवाचक चिन्ह और अड़तालीस प्रसन्नवाचक चिन्ह और अड़तालीस ऑप्शन हमें दे रखा है तैतीस अड़तीस चालीस और पैतालीस तैतीस अड़तीस चालीस पैतालीस बिल्कुल हाँ जी बताइए आंसर क्या होगा सिर्फ प्रश्न को पकड़ना है अब भी क्लियर हो जाएगा आंसर बता दी, जिसको आता है जल्दी से पैटर्न कवर करें भाई देखिए छ बारह इक्कीस प्रश्नवाचक चिन्ह अड़तालीस प्लस का 6, प्लस का नौ प्लस का 6, प्लस का नौ तो आगे कौन सा पैटर्न हो सकता है भाई देखो अगर अपन तीन तीन का अंतर मानते हैं अगर अपन तीन का अंतर मानते हैं तो यहाँ प्लस का तीन है तो यहाँ प्लस का तीन अपन ऐड करेंगे तो भाई बारह आता है एक बार जोड़ के देख लेते हैं यहाँ पर बैठ रहा है हिसाब से तो तैतीस और इसमें प्लस का तीन जोड़ेंगे तो हमारे पास आता पंद्रह तैतीस में पंद्रह जोड़ेंगे बिल्कुल अड़तालीस ये मिल गया अपने तो पास इसका मतलब हमें किसको रेड करना पड़ेगा ए ऑप्शन यानी हमने क्या किया इस छः के अंदर छः जोड़ा तो बारह बारह में नौ जोड़ा इक्कीस इक्कीस में बारह जोड़ा तैतीस तैतीस में पंद्रह जोड़ा अड़तालीस ये भी एक पैटर्न है ठीक है आगे सभी को समझ में हाँ कॉपी करो जल्दी दिल से हाँ भैया अगला प्रश्न है तेरवा प्रश्न है तेरह प्रश्न है दो पाँच नौ प्रश्नवाचक चिन्ह दो पाँच नौ प्रशनवाचक चिन्ह फिर देख बीस फिर सत्ताईस बिल्कुल हम ऑप्शन पे जाते हैं चौदह सोलह अठारह चौबीस चौदह सोलह अठारह चौबीस बताओ देखिए आंसर क्या होगा हाँ भाई जल्दी से देखो यार जल्दी से बताओ मुझे भी अगली क्लास लेनी है अब थोड़ा समय भी कम है जल्दी से बताओ निर्मिला चलो ठीक है इधर देखो दो पाँच नौ प्रश्नवाचक चिन्ह बीस सत्ताईस प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच तो चौदह प्लस छः और प्लस सात तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में चौदह आगे सभी को कॉपी करो जल्दी से हाँ भैया चौदह प्रश्न है अपने पास में छः ग्यारह इक्कीस छत्तीस छः ग्यारह इक्कीस छत्तीस छः ग्यारह इक्कीस छत्तीस छप्पन और प्रसन्नवाचक चिन्ह छप्पन और प्रसन्नवाचक चिन्ह चलो ऑप्शन है बयालीस इक्यावन इक्यासी इक्यानवे बयालीस इक्यावन इक्कीस और इक्यानवे चलो बताओ जल्दी से बिल्कुल जिसको आ रहा है जल्दी से रिप्लाई करें देखिए मित्रों चलो हम बढ़ते हैं यहाँ लिखा 11, इक्कीस छत्तीस छप्पन यहाँ भाई प्लस के पाँच का अंतर है यानी छः में अगर अपन पाँच ऐड करते हैं हमारे पास ग्यारह यहाँ पर चला दस का फिर आएगा पंद्रह का फिर आ गया भाई बीस का तो छः में पाँच जोड़ता हूँ मैं तो मेरे पास ग्यारह मिलता है ग्यारह में दस जोड़ता हूँ तो इक्कीस मिलता है इक्कीस में पंद्रह ऐड करता हूँ छत्तीस जोड़ता है छत्तीस बीस जोड़ता है छप्पन तो अब हमें क्या जोड़ना पड़ेगा पच्चीस छः और पाँच ग्यारह हासिल लगेगा एक पाँच और तीन आठ इक्यासी बिल्कुल ऑप्शन है क्या अरे यार ऑप्शन तो इक्यासी नहीं है पाँच छः सात आठ तो हो गया छः और पाँच ग्यारह मिस्टेक का हुई मिस्टेक का हुई वही छः में पाँच जोड़ा ग्यारह ग्यारह में दस जोड़ा हमारे पास हो गया इक्कीस इक्कीस में पंद्रह जोड़ा छत्तीस छत्तीस में बीस जोड़ा छप्पन छप्पन में पच्चीस जोड़ेंगे तो पाँच और छः ग्यारह का एक हंसे लगा एक पाँच छः सात आठ इक्यासी सही तो ना चलो ठीक है ऑप्शन एक को ले लीजिएगा ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं आंसर होगा इसका एट्टी वन अगर सभी को समझे तो इसका आंसर होगा एट्टी वन दस अठारह अट्ठाईस चालीस दस अठारह अट्ठाइस चालीस चौपन सितर चौपन सितर और फिर दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह हाँ जी ऑप्शन दे रखा है पिचासी छियासी सत्यासी अठासी पिचासी छियासी सत्सी अट्ठासी बिल्कुल तो दोस्तों पंद्रह प्रश्न आपके लिए कमेंट के रूप में है आपके क्विज़ के रूप में आप बेचिजग इसका कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों आज का क्लास वीडियो हमारा कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें आज के लिए बस इतना ही साथियों जय हिंद वंदे मातरम वैसे जानने का तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है पढ़ाता रहूँ लेकिन मुझे अगले क्लास है और वो बहुत ज़रूरी है देना इसलिए तब तक के लिए मुझे दीजिए दोस्तों इजाज़त यहाँ पर आपके सामने पंद्रहवा प्रश्न नज़र आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर पंद्रह और पंद्रह प्रश्न दे रखा है दस अट्ठारह अट्ठाईस चालीस चौपन और सित्तर और फिर आगे दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह आपसे पूछा गया है कि इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी ऑप्शन दे रखा पिचासी छियासी सत्यासी अट्ठासी बिल्कुल आप रिप्लाई कर दीजिएगा ऑप्शन में दे रहा हूँ पिचयासी बी ऑप्शन में दे रहा हूँ आपके सामने छियासी सी ऑप्शन है सत्यासी डी ऑप्शन है अट्ठासी और ए ऑप्शन लिया गया इनमें से कोई नहीं बिल्कुल आप प्रश्न को पढ़े और उसके बाद आप इसका रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा तो प्रश्न है दस अठारह अट्ठाईस चालीस चौपन और सितर दस अठारह अट्ठाईस चालीस चौपन और सित्तर बिल्कुल आपको रिप्लाई करना होगा जी देखिए जिनमें से बहुत तेज़ी से हल करना होगा हमने यहाँ लिखा दस उसके बाद लिखा अठारह उसके बाद लिखा अट्ठाईस फिर लिखा हमने चालीस फिर लिखा चौपन और फिर लिखा सित्तर देखिए भाई अगर इस प्रश्न का आंसर देना होगा तो बहुत आसान प्रश्न है ये अपने एम पेपर 2005 में ये प्रश्न आ चुका बहुत है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दस अठारह अट्ठाईस चालीस चौपन सित्तर प्रश्नवाचक चिन्हें जल्दी से रिप्लाई करें जो लोग अभी इस समय लाइव पर है बिल्कुल आप रिप्लाई करने की कोशिश करें चलो भाई मैं बताता हूँ देखिए मित्रों हमें यहाँ पर प्लस आठ एड किया मैंने यानी 10 में 8 ऐड किया तो 18, 18 में हमने 10 ऐड किया 28. अब देखिए साथ ही यहाँ हमने 12 ऐड किया तो कहीं ना कहीं मैटर ये कर रहा है कि प्लस का 2 और प्लस का 2 वेरी कर रहा है तो यहाँ पर प्लस 2 का वेरी करेगा तो हमारे पास 14 आएगा और बिल्कुल यहाँ पर हमने प्लस का 14 ऐड कर दिया है हमारे पास 54 है इसी प्रकार हमने यहाँ प्लस का सिक्सटीन ऐड किया है तो यहाँ पर भी प्लस का टू राउंड किया है राउंड किया ना तो अब आगे अगर, अगर अपन बढ़ेंगे तो प्लस टू राउंड करेगा तो भैया यहाँ एटीन आ जाएगा और इसमें अगर इसको ऐड करेंगे हमारे पास 88 आंसर होगा जो कि हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है तो बिल्कुल हम इसको राइट करेंगे हाँ आगे सभी को समझ में अगला सोलह प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है प्रश्न संख्या सोलह देखिए जो आई की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो वहाँ ही इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करके जाना बहुत जरूरी है तब जाकर आपके सब कुछ क्लियर होगा हाँ जी प्रश्न दे रखा है एक सौ बीस निन्यानवे अस्सी तिरसठ अड़तालीस बिल्कुल हमारा सोलह प्रश्न है एक सौ बीस अट्ठासी निन्यानवे एक सौ बीस सॉरी एक सौ बीस नन्यानवे अस्सी तिरसठ एक सौ बीस नन्यानवे अस्सी तिरसठ एक सौ बीस अस्सी तिरसठ उसके बाद दे रखा है अड़तालीस और फिर दे रखा है आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह जी ऑप्शन दे रखा है 35, अड़तीस उनचालीस चालीस ऑप्शन दे रखा है 35, अड़तीस उनचालीस डी ऑप्शन है चालीस और ई e ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं बिल्कुल रिप्लाई कर दीजिएगा भैया बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें 120 सौ बीस निन्यानवे अस्सी तिरसठ अड़तालीस और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह पैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है और एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है आपको बिल्कुल बेझिझक कमेंट करना होगा जी सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को अगर अपन हल करते हैं तो हमें दो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी पड़ेगी पहली बात कि यहाँ पर एक बड़ी संख्या है और राउंड द नाइस लास्ट में जो संख्या आ रही है वे छोटी आ रही है हमें अंतर पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा तो यहाँ 120 सौ बीस निन्यानवे अस्सी तिरसठ अड़तालीस और यहाँ मैंने प्रसन्न वाचित हूँ एक में से निन्यानवे जाता है इसका मतलब इनका जो राउंड कर रहा है वो ट्वेंटी का राउंड कर रहा है इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर जो अंतर चल रहा है वह उन्नीस का चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे पास मैटर ये मिल रहा है कि यहाँ से मैंने माइनस टू का लेस चला है बिल्कुल एक बार हम इनका राउंड कर लेते हैं अस्सी और तिरसठ का जो अंतर आता है वह सत्रह का आ रहा है कितने का आ रहा है सत्रह का तो फिर अपने पास माइनस टू राउंड कर दिया है इसी हिसाब से अगर अपन चलते हैं तो माइनस टू राउंड करने पर यहाँ पंद्रह का अंतर आना चाहिए इसका मतलब हमारे पास एक संख्या राउंड कर रही है कि 120 में से अगर मैं 21 घटा दू तो निन्यानवे आएगा निन्यानवे से 19 घटा दो तो 80 आएगा 80 में से 17 घटा दो तो तिरसठ आएगा और तिरसठ में से 15 घटा दो तो 48 आ जाएगा आ गया ना अब इसी प्रकार अगर राउंड करेंगे तो यहाँ हमारे पास माइनस दो करने पर थर्टीन आएगा यानी अड़तालीस में से आपको थर्टीन माइनस करना पड़ेगा तो अड़तालीस में से अपन थर्टीन को लेस करते हैं यहाँ देखिए आठ में से तीन थ्री गया आठ में से तीन गया तो पाँच बचेगा और यहाँ हमारे पास पैंतीस राउंड होगा बिल्कुल हमारे ऑप्शन में दे रखा है पैंतीस तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन को रेंट करेंगे बिल्कुल काफ़ी बच्चों का सही जवाब है जिन्होंने इसका आंसर सही किया बहुत अच्छी बात है और जिनको पैटर्न नहीं मिला है वो बिल्कुल आप इस पैटर्न को देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव क्लास चल रहा है एक सौ बीस नन्यानवे अस्सी तिरसठ अड़तालीस और प्रश्नवाचक जिन्हें सीधा आपको प्रश्नों को पक करना होगा और हल कर दीजिए जी अगला प्रश्न है सत्रवा प्रश्न आई की जो तैयारी करने वाले सभी छात्र हैं विशेषकर ध्यान रखें, ऐसे प्रश्नों को छोड़े नहीं बिल्कुल भी नहीं छोड़े हाँ जी सत्रह प्रश्न अपने पास में दे रखा है सीट में सत्रह प्रश्न है अपने पास में बाईस चौबीस अट्ठाईस वाचक चिन्ह बिल्कुल बाईस चौबीस बाईस चौबीस अट्ठाईस प्रश्नवाचक चिन्ह अट्ठाईस वाचक चिन्ह फिर हमें दे रखा बावन और चौरासी बिल्कुल राउंड करना होगा ऑप्शन अपने पास में है पहला ऑप्शन के तरफ अपन बढ़ते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा छत्तीस अड़तीस बयालीस छियालीस बिल्कुल छत्तीस अड़तीस बयालीस छियालीस और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं देखिए भाई आप इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा बिल्कुल आंसर मिलेगा बिल्कुल मिलेगा जी प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है बाईस चौबीस अट्ठाईस प्रश्नवाचक चिन्ह बावन और चौपन दे रखा है हमें एक सटीक जवाब और सटीक पैटर्न यूज करना होगा बिल्कुल बेझिझक लीजिएगा देखिए साथियों सबसे पहले छोटी संख्या या राउंड हो रही है और बड़ी संख्या की तरफ मूव कर रहा है एडिशन पैटर्न यूज करना पड़ेगा हमें एडिशन पैटर्न लाना पड़ेगा विदाउट एडिशन पैटर्न अपन इसको हल नहीं कर पाएंगे तो यहां अपन एडिशन पैटर्न लेकर आ रहे हैं प्लस का टू राउंड कर दिया है यहां प्लस का फोर राउंड कर दिया है तो कहीं ना कहीं हमारा मैटर कह रहा प्लस का सिक्स चलो देख लेते हैं तो भैया यहाँ प्लस के एट में आना चाहिए ना अट्ठाइस में छह जोड़ेंगे तो चौतीस आएगा अब चौतीस में आठ जोड़ने पर बावन थोड़ी आता है इसका मतलब कहीं ना कहीं कही पैटर्न मिस हुआ है तो क्या मिस हुआ देखिए दो का दुग्ना चार है तो चार का दुगना आठ अपन कर सकते हैं ना एक बार चेक कर लेते हैं तो हमारे ऑप्शन में नहीं दे रखा है चलो ठीक है अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि पैटर्न पूरा चेक करना बहुत जरूरी है बिना पैटर्न के आंसर हल नहीं होने वाला है बिल्कुल नहीं होने वाला तो हम पैटर्न पकड़ेंगे दो चार छ तो अगले में आठ एड होगा भाई जब आप दो दो का अंतर लेकर चल रहे हो ना तो अगले में आठ होना चाहिए इसका मतलब चौतीस में आठ जोड़ने पर कोई बावन थोड़ी आता है इसका मतलब हमें डबल पैटर्न यूज करना पड़ेगा इसका मतलब हम ये पैटर्न यूज करेंगे या चौतीस नहीं आएगा देखिए हम ये पैटर्न यूज करेंगे प्लस का दो और प्लस का चार तो यहाँ प्लस का आठ होगा और प्लस के आठ होने पर चौतीस में आठ जोड़ने पर हमारे पास छत्तीस होता है और अगर, अगर अपन यहाँ पर सोलह ऐड करेंगे तो हमारे पास फिफ्टी टू है तो यहां बत्तीस ऐड करेंगे ये इसका पैटर्न है यानी दो का दोगुना चार चार का दुगुना आठ आठ का दोगुना सोलह सोलह का दोगुना बत्तीस इस हिसाब से अगर, अगर अपन देखेंगे तो यहाँ छत्तीस हमारा बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा जी बहुत अच्छी बात है हाँ जी बिल्कुल सही बात है छत्तीस आंसर आपने सही किया है बहुत अच्छी बात है हाँ जी अगला प्रश्न है अठारह प्रश्न हाँ भैया अठारह प्रश्न की तरफ अपन राउंड कर रहे हैं अठारह प्रश्न हमारे पास में दे रखा है दस सौ दो सौ तीन सौ दस बिल्कुल अठारो प्रश्न हमारे पास में दस सौ दो सौ तीन सौ दस बिल्कुल अठारो ए ना हाँ अठारह प्रश्न है दस सौ दो सौ तीन सौ दस तीन सौ दस दस सौ दो सौ तीन सौ दस और यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया है भाई ऑप्शन के राउंड कर लेते हैं पहला ऑप्शन दे रखा है 400 410 420 430 400 410 420 430 और एक भाई दिया है इनमें से कोई नहीं बिल्कुल आप प्रश्न को उतार लीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न को उतार लीजिएगा जिनको आराम आप भेज दीजिए कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों यहां प्रश्न का दे रखा है दस फिर हमें दे रखा का सौ फिर हमें दे रखा दो सौ फिर दे रखा तीन सौ दस और आगे दे रखा प्रश्न वाचल चीन आपको चार ऑप्शन नज़र आ रहे हैं चार ऑप्शन की बात करते हैं तो चार सौ चार सौ दस चार सौ बीस और चार सौ तीस और एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी दे रखा है आपको सिर्फ प्रश्न को देखना होगा एडिशन पैटर्न चलेगा बिल्कुल हम बात कर रहे हैं एडिशन पैटर्न की क्योंकि यहाँ पर आपको दस उसके बाद आपको सौ फिर आपको 200 और फिर दो तीन दे रखा है देखिए संख्या जम्प तो कर रही है बट एडिशन पैटर्न पे, पे जाना होगा एडिशन पैटर्न ही हमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि संख्या 10 का गुणज है बट इन, बट यहाँ पर कोई संख्या 10 के या नौ के गुणज में नहीं जा रहा है तो जब गुणज वाली संख्या होती है तो बड़ी जंप करती है बहुत ज़्यादा जाती है लेकिन बट ये एडिशन पैटर्न है तो यहाँ अपन एड कर सकते हैं कर सकते हैं बट यहाँ अपन अगर यहाँ चलते तो हंड्रेड अपन एड कर सकते हैं तो इस हिसाब से हमारे पास नाइन्टी से हंड्रेड इंक्रीज हुआ तो प्लस टेन एडिशन हुआ तो हमारे पास पैटर्न है कि नब्बे में दस जोड़ने पर सो आता है तो कहीं कही ना कहीं मैटर ये कर रहा है कि हम यहाँ पर दस एड करेंगे तो हमारे पास एक होगा और बिल्कुल हम 200 में 110 जोड़ेंगे तो 310 संभावना है बट इसी पैटर्न को अगर आगे अपन मूव करेंगे प्लस 10 तो यहां हमारे पास 120 हो जाएगा देखिए 90 100 110 120 और 120 से हमारे पास आ जाएगा 430 तो यहाँ पर 430 हमारे पास डी ऑप्शन में आंसर है बिल्कुल सही बात है हाँ जी बिल्कुल सही है थर्टी बिल्कुल राइट आंसर होगा जी अगले प्रश्न की बात करते हैं उन्नीसवा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है ये की जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उन्होंने के लिए तो काफी रहने वाला है। जी। हाँ भैया उन्नीसवा प्रश्न है उन्नीसवा प्रश्न है जीरो दो आठ चौदह प्रश्नवाचक चिन्ह चौतीस लिख रहा हूं मैं आपको ठीक है उन्नीसवा प्रश्न है जीरो दो उसके बाद क्या दे रखा उसके बाद दे रखा आठ चौदह प्रश्नवाचक चिन्ह आठ चौदह प्रश्नवाचक चिन्ह और चौतीस है बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा ऑप्शन दे रेखा बीस तेईस चौबीस और पच्चीस ऑप्शन दे रेखा लिख रहा हूं भैया बीस बी ऑप्शन है तेईस बीस बी ऑप्शन है तेईस सी ऑप्शन है चौबीस और डी ऑप्शन है पच्चीस बिल्कुल और ई e ऑप्शन एक को ले लो भाई बैंक पीओ में पांच ऑप्शन मिलेंगे मैं आपको रेगुलर पांच ऑप्शन लेकर प्रैक्टिस करा रहा हूं दो जीरो दो आठ चौदह प्रसन्नवाचक चिन्ह चौतीस जीरो दो आठ चौदह प्रश्नवाचक चिन्ह चौतीस ऑप्शन दे रखा बीस तेईस चौबीस पच्चीस बिल्कुल जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा हाँ भैया जल्दी से कमेंट करें देखिए पैटर्न को सोच समझकर उठाइएगा सोच समझकर उठाइएगा बिल्कुल पैटर्न पैटर्न मिलेगा बिल्कुल मिलेगा सोच समझ के उठाना पड़ेगा आपको प्रश्न का लैंग्वेज पे जाना पड़ेगा हाँ जी जल्दी से बताओ मिल गया चलो ठीक है मैं बताता हूँ देखो जीरो दो आठ चौदह प्रसन्न वाचक चिन्ह और चौतीस है यहाँ प्रसन्न का जो लैंग्वेज दे रखा है आप उसे रीड करें और अभी एक दिन आपको पैटर्न मिलेगा कैसे मिलेगा देख के बिल्कुल तरीका है भाई यहाँ पर प्लस का टू राउंड किया है बट यहाँ प्लस का सिक्स राउंड हुआ है और यहाँ पर भी प्लस का सिक्स राउंड हुआ है बट अब हमें मूव करना पड़ेगा देखिए जी यहाँ पर दो से हमारे पास छः गया है बट छः से छ गया है एक पैटर्न ये बताता है कि जब संख्या दो बार रिपीटेड चलती है जब दो बार रिपीटेड चलती है देखिए प्लस का 6 और प्लस का 6 एडिशन हुआ है अगले पैटर्न में सेम संख्या एडिशन होगी परसेंट होगा देखिए मित्रों यहां पर हमें अगर मान लीजिए मैं 8 ऐड करता हूं क्या 8 करता हूं एट ऐड करता हूं तो मेरे पास 14 में अगर 8 ऐड करूंगा तो दो, दो में छ जोड़ा तो आठ आठ में छह जोड़ा तो चौदह यहां पर चौदह में आठ जोड़ेंगे तो बाईस और बाईस में आठ जोड़ेंगे तो भाई चौतीस वाला ऑप्शन मिल रहा है क्या देख लीजिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यही तो मैं कह रहा हूं कि आपको पैटर्न उठाना आना चाहिए देखिए सीधी सी बात है एक बार सुन लीजिएगा जीरो में दो जोड़ा तो दो दो में छ जोड़ा तो आठ आठ में छ जोड़ा तो चौदह और चौदह में अपन आठ जोड़ते हैं तो चौदह में आठ जोड़ते हैं तो हमारे पास आता बाईस अब वापस बाईस में अपन आठ जोड़ेंगे तो बाईस में आठ जोड़ेंगे तो भाई हमारे पास तो तीस आ रहा है लेकिन आप चौतीस तो आ रहा है इसका मतलब हमें एडिशन में यहां फेर बदल करना पड़ेगा यहां पर हमें प्लस का दस करना पड़ेगा और जैसे भी प्लस का दस करूंगा यहां पर चौबीस हो जाएगा और वापस मैं प्लस का दस करूंगा तो मेरे पास चौंतीस हो जाएगा और इस हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा आगे सभी को समझ में जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण है हाँ भाई बिल्कुल सही जवाब है काफी बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है जी अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं प्रश्न संख्या बीस की बीसौ प्रश्न में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ देखिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार के प्रश्न जब एग्जाम में वहां लगेंगे तो हमें सारे प्रश्न के आंसर आना बहुत जरूरी है जी बीसवा प्रश्न हमारे पास में दे रखा है अट्ठाईस तैतीस इकतीस छत्तीस बिल्कुल अट्ठाइस तैतीस इकतीस अट्ठाईस तैतीस इकतीस छत्तीस प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर दे रखा हमें उनचालीस बिल्कुल ऑप्शन दे रखा बत्तीस चौतीस अड़तीस चालीस ऑप्शन दे रखा है बत्तीस बी ऑप्शन दे रखा चौंतीस सी ऑप्शन दे रखा अड़तीस डी ऑप्शन दे रखा चालीस और ई e ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं हमें सिर्फ प्रश्न को पढ़ना होगा और एक सटीक और सही निर्णय के साथ हमें राइट प्रशन करना होगा देखिए प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा अट्ठाइस इकतीस अट्ठाइस तैतीस इकतीस छत्तीस चिन्ह चिन्हिस ऑप्शन दे रखा बत्तीस चौतीस अड़तीस और चालीस भाई एक ऑप्शन हालांकि इनमें से कोई भी नहीं है आपको प्रश्न को रीड करना होगा और हमें बिल्कुल सही जवाब देना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों कोशिश करें कोशिश करें बिल्कुल सही पैटर्न का ढूंढने कोशिश करें सब कुछ क्लियर हो जाएगा देखिए भाई हम पैटर्न ढूंढते हैं इसका यहाँ अट्ठाईस है फिर हमने लिखा तैतीस ते फिर लिखा इकतीस फिर लिखा छत्तीस प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ लिखा अपन ने उनचालीस मित्रों देखिए यहाँ से यहाँ पर अट्ठाइस और तैतीस ते -ते में प्लस पाँच है और यहाँ पर माइनस का दो है फिर यहाँ प्लस पाँच चला गया तो एक पैटर्न रिपीटेड पैटर्न बता रहा है कि प्लस का पाँच फिर माइनस का दो फिर प्लस का पाँच तो कहीं ना कहीं जवाब मिलता है माइनस का दो और माइनस का दो करेंगे तो चौंतीस और प्लस के पांच करने पर हमारे पास उनचालीस है तो इस हिसाब से हमें यहां पर बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा किस ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा बिल्कुल हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा सही बात है भाई बी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब दिया है बहुत अच्छी बात है हाँ जी प्रश्न संख्या इक्कीस इक्कीस प्रश्न में लेकर आ रहा हूं आईबीपीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यह प्रश्न एक बार अवश्य देखकर जाना इन प्रश्नों को बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं जी प्रश्न संख्या इक्कीस की बात कर लेते हैं अपन इक्कीसवां प्रश्न क्या दे रखा है इक्कीसवा प्रश्न हमारी सीट में दे रखा है एक सौ पच्चीस अस्सी पैंतालीस बीस जी एक सौ पच्चीस अस्सी एक सौ पच्चीस अस्सी पैंतालीस बीस पैंतालीस बीस और यहाँ प्रसन्नवाचक चिन्ह एक सौ पच्चीस अस्सी पैंतालीस बीस प्रसन्नवाचक चिन्हें पाँच आठ दस बारह ऑप्शन है पाँच आठ पाँच आठ दस बारह पाँच आठ दस बारह और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं हाँ भैया बता दीजिए आंसर क्या होगा बिल्कुल इक्कीस प्रश्न है हमें प्रश्न को देखना होगा और एक सही जवाब देना होगा आपको स्क्रीन पे प्रश्न नजर आ रहा है आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा हाँ भैया बिल्कुल पहले आप प्रश्न की कॉपी करें और उसके बाद करने की कोशिश करें सबको क्लियर समझ में आ जाएगा बिल्कुल 125 उसके बाद दे रखा 80 फिर 45 बीस पाँच आठ दस बारह सटीक जवाब दे भैया जल्दी से चलो ठीक है हम आते हैं मैं आपको पैटर्न बताता हूँ 125 80 45 20 पैंतालीस बीस प्रश्न वाचक इन दोनों का अंतर आ रहा मेरे पास 45 का और यहाँ अंतर चला मेरे पास 35 का तो एक जवाब है हमारे पास में कि 125 और 45 125 में से 45 गया तो हमारे पास 80 है सीधा जवाब है 80 में से 35 गया तो हमारे पास 45 है भैया है देखो 10 में से 5 गया 5 और 7 में से तीन गया 4 कहीं ना कहीं जवाब आ रहा है कि अब हमें 25 माइनस करना होगा देख कॉमन डिफरेंस की बात कर लीजिए माइनस का दस और माइनस का दस बिल्कुल यहाँ हमारे पास बीस है फिर हमें पंद्रह माइनस करना पड़ेगा तो पंद्रह माइनस करेंगे तो यहाँ पाँच आएगा और इस हिसाब से हमें ए ऑप्शन पे राइट करना पड़ेगा बिल्कुल हमें ए ऑप्शन पे राइट करना होगा जी आगे सभी को समझ में हो गया क्लियर तो चलिए अपन आगे लिखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या बिल्कुल हाँ भैया हा, प्रश्न संख्या 22 220 प्रश्न क्या दे रखा है 220 प्रश्न है एक पाँच तेरह पच्चीस इकतालीस एक पाँच तेरह पच्चीस इकतालीस एक, एक पाँच तेरह पच्चीस इकतालीस और फिर हमें दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह सही प्रश्न का सही ऑप्शन इक्यावन सत्तावन इकसठ तिरसठ इक्यावन सत्तावन इक्यावन उसके बाद है सत्तावन फिर इकसठ और तिरसठ फिर इकसठ और फिर हमारे पास में है तिरसठ हाँ जी ऑप्शन हमें दे रखा है एक इनमें से कोई नहीं है बिल्कुल ई ऑप्शन हमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस जिसको हम बोलते हैं हमारा बाईसौ प्रश्न है जिनको आ रहा है बिल्कुल जवाब करें बिल्कुल जिसको आ रहा है बाईस प्रश्न भाई जवाब करें बहुत महत्वपूर्ण है इक्यावन सत्तावन इकसठ तिरसठ और एक दे रखा है इनमें से कोई नहीं बिल्कुल जवाब करें भैया जल्दी से हाँ जी चलो ठीक है हम चलते हैं पैटर्न पे भाई देखिए पैटर्न की बात करते हैं एक पाँच तेरह पच्चीस इकतालीस एडिशन पैटर्न चलेगा चार एडिशन पैटर्न चलेगा आठ एडिशन पैटर्न चलेगा सोलह चलो चेक कर लेते हैं चार धूनी आठ भी होता है तो आठ दूनी सोलह होता है और डबल भी हो जाता है तेरह और सोलह का अंतर भाई पच्चीस चल रहा है क्या तेरह और सोलह का अंतर भाई पच्चीस चल रहा है क्या आप ये देखो नहीं चल रहा ना तो हम जो पेडिस एडिशन जो पैटर्न यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास कहीं ना कहीं मिस हो रहा है कि हम यहाँ एडिशन पैटर्न पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जवाब है चार आठ सोलह तो नहीं होगा फिर बारह करना पड़ेगा बिल्कुल तो यहाँ पर हमारे पास सोलह आएगा बिल्कुल पच्चीस में सोलह जोड़ते हैं इकतालीस आता है देखिए प्लस के चार प्लस के चार प्लस के चार तो यहाँ हमने बीस एड किया है हमारे पास आ जाएगा इकसठ अगली संख्या यहां पर होगा इकसठ तो इकसठवें प्रश्न का हमारे सॉरी इक्कीस बाईसवें प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा सिक्सटी वन आगे सभी को हाँ जी अगला प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं अगला प्रश्न है आपके सामने तेबीसवा जी तेईस प्रश्न क्या दे रखा है तेईस प्रश्न हमारे पास में दे रखा है दो पंद्रह इकतालीस अस्सी दो पंद्रह इकतालीस अस्सी और प्रसन्नवाचक चिन्ह दो पंद्रह इकतालीस अस्सी प्रसन्नवाचक चिन्ह एक सौ ग्यारह एक सौ बीस एक सौ इक्कीस एक सौ बत्तीस एक सौ ग्यारह एक सौ बीस एक सौ इक्कीस एक सौ ग्यारह एक सौ ग्यारह सुनो प्रश्न का लैंग्वेज है एक सौ ग्यारह बिल्कुल एक सौ ग्यारह है जी उसके बाद हमें अगला ऑप्शन मिला है 120, 120, 121, डी ऑप्शन है 132 और ई e ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं हाँ भैया बताइए तेईसवें प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिएगा जल्दी से कमेंट करो प्रश्न को देखो एक बार आंसर कमेंट करना होगा हमें हाँ जी जल्दी से बताओ भैया नहीं मिला चलो ठीक इधर देखो दो पंद्रह इकतालीस अस्सी प्लस के तेरह प्लस के छब्बीस प्लस के उनचालीस तेरह एकम एक तेरह तेरह दूनी छब्बीस तेरह तेरह ते उनचालीस तेरह ते चौके बावन हम जोड़ेंगे यहाँ पर एक सौ बत्तीस आगे सभी को तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने पढ़ा था बहुत ही महत्वपूर्ण IBPS का एग्जाम सेट के अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम से नंबर सीरीज़ से संबंधित ये प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के लिए बस इतना ही साथियों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा